वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्रिक इन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो पहला ट्रिक हम लेके आ रहे हैं इस वीडियो में। तो वैसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से आपका कोई इंटीग्रल फॉर्म आता है, आपका 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होगी? पाई अपॉन 2 ए बी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ए और बी आपके पॉजिटिव होनी चाहिए, मीन्स ए और बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहला प्रॉब्लम आपका डायरेक्ट है, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को जो आपके इसके रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करूंगा दोनों, तो कॉस स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है नीचे वाले में, कॉस स्क्वायर एक्स का जो कॉफिशियंट है वो 36 है। दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? ए स्क्वायर अगर 36 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर का कोफिशियंट आपका देख रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे आपका कितना है 25, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5, ठीक है ना। तो इसका सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 2ab, 2 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया पाई अपॉन 2 5 10 60 आ गया, पाई अपॉन 60, ठीक है ना। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। दूसरे वाले में अगर आप देखें तो इसका सीधे आप देखिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी? b की, ये तो b की वैल्यू हो गई साइन, इसको b इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? a cos स्क्वायर x, तो a की वैल्यू हो जाएगी रूट 2, ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगी इंटीग्रेट, ठीक है, तो इसकी सीधे आंसर हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 2 रूट 10। तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे अभी इंटीग्रल की बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो पहला अभी इजी वाला आपका ही हो सकता है, आप लोग कई लोगों को मालूम भी हो, ठीक है ना, और कई लोगों को मालूम ना भी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।